पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के ओंडा में रेल हादसा हो गया है, जिसमें दो मालगाड़ियां टकरा गई हैं। इसके बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में एक ड्राइवर घायल हुआ है, जबकि प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसा आज सुबह हुआ है, जिसमें दो मालवाहक गाड़ियों के एक इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे के कारण आद्रा खड़गपुर शाखा पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी ओडा रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। एक इंजन के साथ दो मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने ड्राइवरों को बचा लिया है। फिलहाल रेलवे की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दूसरी चलती मालगाड़ी ने खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मार दी है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि चलती मालगाड़ी का इंजन खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।